असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। असम के 7 जिलों में करीब 2,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है। यही हाल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का भी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, दरांग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व क्षेत्रों में 229 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से कुल 1,94,916 लोग प्रभावित हुए हैं और उनमें से लगभग 9,000 लोग धेमाजी, लखीमपुर, गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में स्थापित 35 राहत शिविरों में शरण लिए हैं। ASDMA ने कहा कि बाढ़ के कारण लगभग 1,007 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है और लगभग 16,500 घरेलू पशु और मुर्गियां प्रभावित हुए हैं। राज्य की अधिकांश नदियां सोनितपुर और नेमाटी घाट में क्रमश जिया भराली और ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसी बीच सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के आरजू गांव में एक भूमिस्खलन के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश से राज्य के बड़े हिस्से प्रभावित हुए हैं। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही और भी कई मजेदार खबरों के लिए।